सो दिस इज द न्यू ट्रेंड, चप्पल की माला। तो ऑलमोस्ट सभी जा चुके हैं यहाँ से। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं। की माँ की चूत, डर की माँ की चूत। एक ब्रो कोड, आज हम बुड्ढू के भरोसे ही चल रहे हैं। So, hello guys, welcome back to the new episode. ये देखो, ये सुबह हो गई। तो जैसा कि अभी हो गया सुबह, और आपका है कि हम लोग आए हुए थे उदयपुर, और उदयपुर में आने के बाद अभी हम सोने जा रहे हैं। सो जाता हूँ गाइस, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? पर यार उदयपुर तो घूमने की जगह है ना, तो सो क्यों रहे हम हैं? क्यों सो रहे हैं? तो भाई आज का प्लान जो है वो ऐसा है कि एक नदी वदी का पता चला है, डैम का पता चला है। क्या नाम था, नाम क्या उसका? सिंगल डैम। क्या, कौन सा? सिंगल। तो जाने वाले सिंगल डैम पे, बहुत अच्छी अच्छी उसकी हमने वीडियोस देखी, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आते हैं, मैंने सुना है और देखा है। बंदा बहुत बेकार है, 2:30 बजे मेरा कम्बल फेंक देता है उठा के, ये इनने वहाँ से उठा के और उधर फेंक दिया मेरा कम्बल यहाँ पे। रात को इतनी तेज़ तेज़ हंस रहा है, ये सारा बैड वाइब्रेट हो रहा है। यूं देता हूँ तो यूं, और मुंह बंद करके हंस रहा हूँ, एक तो आवाज नहीं निकल रही, तो पूरा बैड ही मिल रहा। इतनी तेज़ हंसी आ रही थी भाई। न्यू सैंडल कहाँ है? अरे यहीं कहीं होगी ना, इसके नीचे नहीं है? इसमें देखना, चल रहे हैं कपड़े चेंज करते हैं मिनट से पहले। फाइनली हो गया, अपने कपड़े चेंज, अब निकल रहे हैं यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ। हेलो गाइस, स्कूटी ले ली है 400 रुपए वाली, और फुल बूम बाप बुड्ढा भगा रहा है, जोश में जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। और यहाँ का नया रूल है कि जो पीछे बैठता है वो लगाता है हेलमेट। तो अभी पेट्रोल डलवा के मिलते हैं बूम बाम करते हुए। बुड्ढू की तो फेवरेट गाड़ी मिल गई है, एक्टिव। वाह वाह वाह। तो ये पीके का छोटा भाई सीके है, पीके के भाई सीके ने जैसे कि ये स्कूटी लिया, तो इनसे पूछते हैं कमाते कैसे हैं यार ये। तो क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? काम करते। क्या काम करते? जोमेटो। जोमेटो कितना कमा लेते, कितना कमा लेते? 150 रुपये। 150? 150 में खर्चा चल जाता है, 150 में खर्चा चल जाता है, चल जाता है, चल जाता है। भैया तुम्हारी स्माइल का राज क्या है, ये स्माइल का राज क्या है? 150 रुपये। 150 रुपये। पेट्रोल डलवा लिए थे और जा रहे हैं शिवालिक डैम, जिसकी वीडियो देख के हम पे रहा नहीं गया, सोचे जाके नहा के आते हैं। ताज़ा पानी आता है बहुत, और मज़ा भी आता है बहुत। ये मोटा आज पंती कर रहा है क्योंकि इनने 150 रुपये कमा लिए हैं। बाकी बुड्ढू थोड़ा शांत है, बुड्ढू को इस चीज़ की टेंशन है कि हम टिपली मार रहे हैं, कहीं पुलिस हमारी पिपली ना मार ले। तो शिवालिक डैम जो है वो हमारी लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर है, तो वी आर गोइंग टू 27 किलोमीटर। दिस इज़ टू मच गाइस, टू मच। ओह नो, एप्पल चमका रहा है। शौक आ गया। और देखो एक पार्किंग दिखाता हूँ आपको, ये री मस्त एकदम। कितने फ्लोर की है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोर की है गाइस, नीचे का मिला के। पांच तो हवा में है, छठा जमीन पे है, इसको गिनती नहीं आती, स्कूल नहीं जाता है। हैवी ट्रैफिक गाइस, हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वाला। और ये मोटा आज पागल ही हो गया भाई। मोटे मोटे 200 कमाए आज, 150। तो 2 किलोमीटर चलते इतनी ज़्यादा थकान हो गई और भूख लग गई कि भाई साहब यहाँ पे आ गए हम, छोबे जी छोले भटूरे, और अब खाने की तैयारी हो रही है। बुड्ढू ने, बुड्ढू क्या ऑर्डर करा तुमने? छोले भटूरे। और ये वाला कितना तो बहुत मस्त है ना, कितना सॉफ्ट दिख रहा है। और तुमने क्या ऑर्डर करा? ये आ गई है वो छोले भटूरे, मस्त लगता है। और उनका
ऑब्जर्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। एक बात बता दूँ, मंजिल बहुत प्यारी है, चुम्मा देने का मन कर रहा। मंजिल बहुत प्यारी है, वैसे तो हर जगह रास्ते प्यारे होते हैं पर यहाँ पे मंजिल ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, मुंह में घुसा दे ले। देखो एक ये पार्क भी दिखा जहाँ पे बोटिंग भी होती है और ये फुवारा है, मुझे लग रहा है फाउंटेन ही है। भाई कितना प्यार। हाँ जो भी है, बत्तख वाली राइड है। थार के पीछे, थार के पीछे, थार के पीछे चलना है बाबू। देखो यहाँ पे केले हैं बाबू के बिना अकेले हैं। आवाज कैसे निकली? यहाँ पे देखो केले हैं, मोटू उछल के जा सकता है। यहाँ पे हो सकता था कुछ खतरनाक बट नहीं हुआ, सेव कर लिया, सेफ जोन में। बोलो जुबा केसरी। चेतावनी भाई साहब, 6 फीट 11 है भाई। हम अभी रास्ते में आ रहे थे, 6 फीट 11 भाई, और भाई इतनी तगड़ी जगह मिली हमें। चले क्या वहाँ पे? अरे जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलो ना। ट्रक आ गए, ट्रक। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं भाई। मस्त यहीं से भाई वानी चालू हो गई है, आगे जाके दिखाते हैं माल पानी। पेट्रोल खत्म हो गया, कितना है दिखाओ। अबे बहुत है भाई, बहुत है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से डलवा लेना चाहिए भाई। और क्या डलवा, 1 लीटर डलवा लो भाई, कोई बात नहीं, पैसे ज़्यादा दे देंगे वरना फूक देंगे वहाँ पर, और क्या होगा, वहीं घूम लेंगे मार्केट। चलो हाँ 1 लीटर और डलवा लेते हैं। भाई ऐसे रास्ते मिल रहे हैं अभी हमें जाने के लिए फिलहाल, और सीन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पानी के पास बसावट हो जाती है धीरे धीरे करके, उसी हिसाब से यहाँ का कुछ सीन होगा। पर वो स्पीड रही, तोड़ रही, देखना बेल्ट ना तोड़ दे बस कुछ ऐसा। बहन के लोड़े, और गंद बोल ले, और गंद बोल। ऐसे वाले रोड पे से गिरे थे, अब पता तेरे को, जब बंदा चला रहा था। मत बोलो, पर वो वाला रोड और भी कब थे और कराई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। अपने गंदे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और हम मेन रोड से आ गए हैं ऐसे कुछ बहुत ही खतरनाक से रास्तों पे, बहुत प्यारे सुंदर देख रहे हो भाई, ये चीज़ तो प्यारा लग रहा है। हम मेन जा रहे हैं तो भाई ये पहला एक्सपीरियंस है ऐसे रास्तों पे, पहला 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 प्यार है मेरा। फिर भी तुझे पता नहीं क्यों नहीं दिखता मेरा प्यार, आँखों का चेकअप कराऊंगा, मेरा प्यार आँखों का चेकअप करवाऊंगा। ये पूरा रास्ता अभी कच्चा ऐसे ही है भाई, इतने बंदे यार थे, आते कैसे होंगे हमारी तरह, जज्बा है, जुनून है, जोश है। दो रास्ते थे ना, हमने दूसरा रास्ता फॉलो किया है, हम गांव के अंदर से जा रहे हैं, एक रास्ता बाहर से भी है पहाड़ के उस साइड से। अच्छा वो लंबा होगा उधर से एक रास्ता। भाई बुड्डू खींच खींच दो, बुड्डू खींच दो, खींच दो, खींच दो, पूरी खींचो, पूरी पूरी छोड़ो मत। अरे इतना बड़ा स्लोप नहीं है, वो चढ़ा लेगा। अरे बहन गाली दे रहा, गाली दे। अब आगे आगे गए भाई, आगे नहीं करते, उतर ही जाते हैं। नहीं नहीं बैठे रहो, बैठे रहो, स्कूटी बोल गई बाबे, पूरी रेस दे रखे बेटे, उतर जाओ। नहीं 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 बैठा रहे, उतर जाओ, बैठा रहा बहुत भाई, फट रही है यार स्कूटी बोल गई बाबे। ओ रो 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 रो।
ये रोड दिख गया प्यारा सा भाई रे एक्टिव अब थोड़े पीछे पीछे हो जा यार मैं बिल्कुल कोने में ये कुल्लू आगे घुसा पड़ा पूरा लुल्लू लेने के लिए और आ जाओ पीछे मेरा लुल्लू नहीं ले रहा और आ जाओ पीछे लुल्लू मेरा लुल्लू ले लो अबे यार क्यों गाली लुल्लू ले लो तो गाइस जैसा कि ये रास्ता बहुत खतरनाक सा था थोड़ा और हम स्कूटी पे आए हैं तो इस चक्कर में हम उतर गए थे थोड़ा सा ट्रैक पैदल करेंगे इतनी ऊंचाई पे मैंने सोचा नहीं था कभी भाई, भाई बहुत खतरी भाई मैं कैसे जाऊंगा भाई घर